श्रीलंका की जीत के बाद बदला T20 वर्ल्ड कप 2022 का पॉइंट टेबल। टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। सुपर 12 के क्वालिफाई मुकाबलों में श्रीलंका की टीम की शानदार जीत के बाद अब वो सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार पॉइंट टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सी टीम टीम इंडिया के ग्रुप में आ रही है और साथ ही कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुकी है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें श्रीलंका की टीम की, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नीदरलैंड की टीम को हराया है। नीदरलैंड और श्रीलंका के फिलहाल 4-4 पॉइंट हैं, लेकिन इस ग्रुप में मुकाबले काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि इस ग्रुप का आखिरी मुकाबला नामीबिया और UAE के बीच खेला जा रहा है। इसमें अगर नामीबिया जीतती है तो फिर नीदरलैंड सीधे बाहर हो जाएगी। तो वहीं पर दूसरे ग्रुप की हम बात करें यानी कि ग्रुप बी की, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड बराबरी पर खड़ी है, जहाँ पर कोई भी टीम अपनी जगह पक्की कर सकता है सुपर 12 में। तो हम आपको पूरी डिटेल में पॉइंट टेबल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुपर 12 के ग्रुप नंबर 1 में आने वाली टीम रहेगी क्वालिफायर के ग्रुप वे 1 की 1 टीम और साथ ही ग्रुप बी की 2 टीम यहां पर रहेगी। वहीं पर भारतीय टीम के ग्रुप में आने वाली टीम की हम बात करें तो ग्रुप ए की नंबर 2 टीम रहेगी जबकि ग्रुप बी की नंबर 1 टीम रहेगी। फिलहाल हम बात करें यहां पर ग्रुप बी की नंबर 1 टीम की, तो वो फिलहाल स्कॉटलैंड है जबकि नंबर 2 पर जिम्बाब्वे हैं। हालांकि इस ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड सभी टीमों के 2-2 अंक है, यानी कि आखिरी मुकाबले में से जो टीम आमने सामने मुकाबला होगा, जो मुकाबला टीम हारेगी वो बाहर होती जाएगी और जो टीम मुकाबला जीतेगी वो कर जाएगी क्वालिफाई। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें दूसरे ग्रुप की यानी कि ग्रुप ए की, तो यहाँ पर श्रीलंका, नीदरलैंड, नामीबिया और UAE हैं। हालांकि UAE पहले से ही बाहर हो चुकी है जबकि श्रीलंका क्वालिफाई कर चुकी है। अब दोस्तों, सिर्फ 2 ही टीमें यहाँ पर हैं जो बाहर हो सकती हैं, उनमें नीदरलैंड और नामीबिया हैं। नामीबिया और UAE के बीच मैच चल रहा है जबकि नीदरलैंड की टीम अपने 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है जबकि 1 मुकाबला हारी है और इनके 4 अंक हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी नेट रन रेट रह गई है जो कि -0.162 है। यानी कि दोस्तों, श्रीलंका की टीम जहां +0.667 और नामीबिया की टीम +1.277 नेट रन रेट के साथ मौजूद है। अगर नामीबिया की टीम को UAE की टीम हराती है तो नीदरलैंड और श्रीलंका पहुंच जाएगी, जबकि नामीबिया की टीम UAE को हरा देती है तो फिर नीदरलैंड बाहर हो जाएगी और श्रीलंका और नामीबिया पहुँच जाएगी सुपर 12 में। वहीं पर दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर श्रीलंका ही जाती हुई नज़र आ रही है सुपर 12 में टीम इंडिया के ग्रुप में, क्योंकि दोस्तों नामीबिया की नेट रन रेट पहले से ही +1.277 है। मुकाबला अगर ये जीतेगी तो ये नेट रन रेट और बढ़ेगी या कम भी होगी तो इतनी नहीं कि श्रीलंका से भी कम हो जाए। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका और भारत का मुकाबला होना तय हो चुका है क्योंकि भारत के ग्रुप में ही आएगी अब श्रीलंका की टीम। वहीं पर दोस्तों, टीम इंडिया के ग्रुप में दूसरी टीम कौन आएगी ये अभी कहना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का मुकाबला बचा हुआ है। जो टीम जीतेगी वो पहुँच जाएगी और वहीं पर साथ ही वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के मुकाबले में से भी जो टीम जीतेगी वो सुपर 12 में पहुंच जाएगी। लेकिन नेट रन रेट के आधार पर ही तय होगा कि कौन सी टीम टीम इंडिया के ग्रुप में आ रही है और कौन सी नहीं। क्या वेस्ट इंडीज़ नंबर 1 टीम बनकर टीम इंडिया के ग्रुप में आएगी या फिर नंबर 2 पर रहने वाली टीम आएगी, ये भी देखना होगा। यानी कि टीम इंडिया का ग्रुप अब ग्रुप ऑफ डेथ बनता जा रहा है जहाँ पर हर एक मजबूत टीम टीम इंडिया के ग्रुप में आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें टीम इंडिया के ग्रुप में आनी चाहिए? फिलहाल श्रीलंका लगभग तय है कि टीम इंडिया ग्रुप में आ रही है। बाकी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।